एक कहावत है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यही हाल पाकिस्तान का है। एक तरफ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बौखलाकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, वहीं पाकिस्तान के मौलवी पाकिस्तानी सेना पर कितना भरोसा करते हैं इसकी हकीकत ये वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे। वहाँ के मौलवी खुद कह रहे हैं कि सामने जाके क्यों मरना, कश्मीर जाकर क्यों मरना, सेना को खिलाया पिलाया, जनता के टैक्स पर अय्याशी करवाई, तो अब सेना के लड़ने का वक्त आ गया है। लड़ना तो सेना को ही चाहिए, आम जनता क्यों लड़ेगी, मौलवी क्यों लड़ेंगे। आप भी देखिए ये वीडियो जिसे पाकिस्तानी महिला पत्रकार नायला इनायत ने अपनी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, या अल्लाह मौलवी साहब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, आमीन। इस वक्त जो लोग बातें कर रहे हैं ये सब ड्रामेबाजी है, बिल्कुल इसमें क्लियर रहिए। ये कोई जो कह रहा है जी कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, चलें मालकुम लातु अल्लाह तु कातिलू नफी सबिलिल्लाह, भाई वो जो हम वहां पे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो हम जाके कर लेंगे फौजों के मुकाबले में। मैं आप भाग के चले भी जाएं, जैसे सूफी मोहम्मद साहब चले गए थे अफगानिस्तान, क्या तीर वहां वो उन्होंने चला लिए थे जो हम जाके कश्मीर में चला देंगे। हम अगर कुछ कर सकते, अच्छा ये अभी और भी है नए ड्रामे, चलो जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, यानी इनसे भी मार खाओ फिर उनसे भी मार खाओ, ये भी जो थोड़ा बहुत गैरत का जज्बा है ये लोग भी खत्म हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सदा। तो बात समझें, इसका कोई फायदा नहीं है। मार्च ही करना है तो इस्लामाबाद मार्च करें, पिंडी की तरफ मार्च करें कि भाई आपको इतना अरसा पाला है, पोसा है, जवान किया है, लड़ाने के लिए ये सारा कुछ किया है, माचसू के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं आपने, हमने दिए हैं, तो अब लड़ने का टाइम है। आप भाई जी लड़ो, हम दुआएं करेंगे, हम तो मौलवियों ने लड़ना थोड़ी है, हमने तो दुआएं करनी है, या अल्लाह मुजाहिदीन को कामयाब फरमाए। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है, तो आपको पाला है पोसा है इस दिन के लिए, आपको कोई DHA बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने, और दुनिया के कौन जो फौज है आप साबित करें ना, जो आपको अय्याशियां कराई गई हैं, अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। यही गांधी साहब का फतवा है, यही पैगाम है पाकिस्तान का जो है वो हासिल है। 1800 उलमा के दस्तखत हैं, हम अहले सुन्नत हैं माशाल्लाह, और हम उससे हटकर कोई बात नहीं करेंगे। तो जनाबे मन आपको इस काम के लिए जो हमने तफ्वीज की है जिम्मेदारी, आप आगे बढ़िए, जाइए, सर टकराइए, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पेटियां उठाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपके जख्मी उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे, दुआएं करेंगे, और कहीं आपको जो है वो इंसानी शील्ड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी अपने आप को पेश करेंगे, लेकिन लड़ेंगे तो आप ना जी, नहीं तो फिर आने दीजिए इंडिया वालों को, उन्हें कहेंगे छोड़ो तोपों को, हैदराबाद की चूड़ियां ले आओ, वो हम आपको पेश कर देंगे, फिर यही हमारे पास आखिरी शहर रह जाएगी। तो जो सीधा काम है वो क्यों ना करें, जिसने मरना है अपनों की गोलियां खा के क्यों ना मरे, जिनको इतना अरसा खिलाया है, फिर जो सच्ची बात है वो क्यों ना करें। ये वीडियो पाकिस्तान के हालातों को खुद बयां कर रहा है कि कैसे वहां की जनता के पैसों पर पाक सेना अय्याशी करती है, जिस पर वहां की जनता और मौलवियों को भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।